आज दोपहर 2:30 बजे केंजर फंक्शन हॉल के सामने, तमाम बेकरियों के सामने महबूब अमारल का बेटा, उसका भांजा और 40 बच्चे मिलकर दो लड़कों को, एक लड़का उसमें मेरा अब्दुल अजीज सिद्दीकी को, ये गांजे के नशे में इनके पास गन बता के चाकुओं से तलवारों से हाथ पर मार कर ये लोग अपने आप को गुंडागर्दी के, वो 40 पूरे जिसकी उम्र 25 से कम है, ये पूरे नशे करने वाले लोग हैं, जिसमें मतीन एमआरएल महबूब एमआरएल का बेटा है, उसका और एक भाई का बेटा, उसका भतीजा है, ये सब नशेखोर है। और ये तमाम लोग यहाँ मारने के बाद में फार्म हाउस में छुपने को गए थे, उसके बाद जो भी लोग उससे मिलने को गए थे उनको गाड़ी से उड़ा के भागने की कोशिश कर रही है पुलिस। की सबसे बड़ी नाकामी है कि ऐसे गांजा पीने वाले लोग, ऐसे रोज शिकार पे जाने वाले लोग, और उसका बेटा ये दूसरी बार बंदूक निकाला है। इससे पहले मती महबूब का बेटा बंदूक निकाल कर एमजी रोड पर बहुत बड़ा कांड किया था, जब वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, पुलिस अगर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती आज मेरे बेटे पे बंदूक नहीं निकालता, चाकू से हमले नहीं करते। और मैं चाहूँगा कि इनके घरों में 100% सर्च करें, इनके पास हिरन के चमड़े, इनके पास हिरन के सिंग मिलते हैं, ये लोग दलाल है ये लोग। अब मैं पुलिस से चाहता हूँ, एमबी नगर लिमिट से और किशोर बाबू से, इनको इमीडिएट अरेस्ट करना, वो 40 के 40 के ऊपर केस दर्ज करना। मेरे पास पूरन के नाम, पूरन के पिक्चर्स हैं।